हे गाइज, दिस इज विभोर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज उन पांच फूड्स के बारे में बात करूंगा, पांच वेजिटेरियन फूड्स के बारे में बात करूंगा जो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो उसे बूस्ट करने में। देखिए गाइज, बेसिकली इस वीडियो से सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होने वाला है जिनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ऑलरेडी थोड़ा सा लो है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन नहीं है बॉडी में, या उनको ऐसे कुछ साइंस नजर आते हैं कि जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लो है। वो साइंस हो सकते हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है पूरा दिन, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा चिड़चिड़े रहते हैं पूरा दिन, हो सकता है आपको फटीग फील हो रहा है पूरा दिन, मूड अच्छा नहीं है आपका, हो सकता है ब्रेन फंक्शनिंग ठीक ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं वो करते करते बहुत फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं चीजें रखकर, जैसे भूल गए कोई काम करना है, भूल गए कि मैं क्या काम कर रहा था, तो अगर ऐसे साइंस आपको नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन थोड़ी सी लो हो। तो उसको कैसे ठीक करें, क्या करें, उनके लिए क्या चीज़ ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं कि उनको अपनी डाइट में ऐड करें, तो उन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। देखिए, जो नंबर वन पे मैंने जिसको रखा है, जिस आइटम को मैंने रखा है, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। देखिए, ज़्यादातर डार्क लीफी या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उससे होता क्या है, उसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। अब ये चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो लो हो चुका है उसे ये इम्प्रूव करेंगी, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी बूस्ट करेगी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यार देखो, जैसे हम लोग जिम जा रहे हैं या नॉर्मली वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा ना मेन गोल ये रहता है कि हम कार्ब्स ज़्यादा खा लें, प्रोटीन अच्छा ले लें, फैट अच्छा ले लें। हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो पूरा ले लेते हैं लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस नहीं करते हैं। अब वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतने ही जरूरी हैं यार, जैसे जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। अब वो नहीं होंगे प्रॉपर अमाउंट में तो ये सारी चीजें खराब हैं, आपका ना तो अच्छे से फैट लॉस होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़े रहेंगे। तो कुल मिला के तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिलेगा टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो। अब जो दूसरी आइटम है जिसको मैंने अपने इस लिस्ट में मैंने ऐड किया है वो अश्वगंधा। देखो, वेरी वेल नोन ये रूट है, असल में ये फूड है, आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है लेना। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, इसके अंदर यार इतने कंपाउंड्स हैं जो और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसके और मल्टीपल बेनिफिट्स बहुत है टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग इफेक्ट्स के अलावा। बेसिकली ये करता क्या है, ये आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको डाउन करता है। तो जो स्ट्रेस, जो जैसे हार्मोन हो गए जैसे कॉर्टिसोल है, उसको डाउन करता है, अब उसको डाउन करेगा और जो आपको फीलिंग गुड हार्मोन है उसको अप करेगा, तो उससे क्या होगा, आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना वो काफी इंप्रूव हो जाती है। जब स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली आपके बाकी सारे हार्मोन्स एक साथ काफी अच्छे से काम करेंगे, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी अच्छे से आपका फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको टेस्टोस्टेरोन अपना ठीक रखना है तो। इसके साथ जो तीसरे नंबर पे मैंने फूड रखा है वो अनार, पोमेग्रेनेट। बेसिकली इसका क्या बेनिफिट होता है, इसके अंदर ना फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन के सेल जो डैमेज होते हैं, एक तो उन सेल डैमेज को होने से बचाते हैं, दूसरा ये उन सेल्स की प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अनार को आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। इसके और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि खून बढ़ाना, इम्यूनिटी अच्छी रखना, तो इसको डेफिनेटली अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं अनार को। इसके बाद गाइस, जो मैंने फोर्थ नंबर पे जिस फ्रूट को रखा है वो है बनाना। देखो, बनाना क्या करता है, बनाना के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ब्रोमेलिन। तो अब ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, प्लस इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट तो इसमें होता ही है, हेल्दी शुगर्स जिसको बोलते हैं। ये गेनिंग में भी हेल्प करता है, अगर आपका गोल हेल्थी गेन करना है, लीन गेन करना है, तो उसमें भी हेल्प करता है, क्लीन कार्ब्स होते हैं इसमें। उसके बाद जो ब्रोमेलिन है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, मैग्नीशियम और जिंक ये भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं, प्लस ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब ये स्ट्रेस से आपको रिलीफ दिलाते हैं, ठीक है, जो इन जनरल आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। फिफ्थ नंबर पे जिस फूड को मैंने रखा है वो है बादाम, आलमंड्स। तो गाइज, आलमंड्स क्या करता है, आलमंड्स जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर बहुत है इसमें गुड फैट्स हैं जो इन जनरल आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो डेफिनेटली ये बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और इसमें मैं एक बोनस फूड और ऐड कर दूं, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, जो छठे नंबर पे है वो ये है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से कटिंग कर रहे हैं
तो क्या होता है, एनर्जी लेवल्स कम डाउन हो जाते हैं, हार्मोन लेवल्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं. तो आपको क्या करना होता है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन में, महीने में एक बार जंक थोड़ा बहुत खा लीजिए. इससे क्या होता है, आपका मूड अच्छा रहेगा, ठीक है, सोशल हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात. उसके साथ साथ क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं है खाली ये खाने से ही आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा. देखो यार, हर बात का बराबर तरीके से ध्यान रखना होता है. जैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी पड़ेगी. लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर वर्कआउट्स ऐड करो. किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट वॉक तो करो. वॉक अगर कर रहे हो तो कोशिश करो मसल बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग पर थोड़ा सा फोकस करो. फॉर एग्जांपल पुशअप्स लगा लिए, सिटअप्स लगा लिए, या फिर जिम ज्वाइन कर लो, वेट ट्रेनिंग करो. तो गाइस इन सारी चीज़ों से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका वैसे ही सही ट्रैक पर चलता रहता है, सारे हॉर्मोन्स आपके अच्छे से काम करते रहते हैं. स्लीप अच्छी लो, ये सारी चीज़ें अगर आप सही रखोगे ना, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं. उसके बाद एक चीज़ और है, अब जैसे ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पीछे पड़ जाओ. पहली बात तो ये सारी चीज़ें इतनी इजीली आपके घर में ही अवेलेबल होंगी. फॉर एग्जांपल अनार है, अनार आ जाता है घर में, अनार खा लो, दो अनार खा लो, ठीक है. केले आते हैं, तो क्या कर सकते हो आप पोस्ट वर्कआउट में, वर्कआउट से पहले, आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले, दो केले खा लो, ठीक है. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपको ऐड करनी ही चाहिए सैलड में, ठीक है. जैसे अश्वगंधा है, रात को सोने से पहले ले लो. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके पीछे नहीं पड़ना आपने, लेकिन इनको अपने स्मार्टली अपने रूटीन में इनको ऐड करना है, तब इनका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपको. और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अब जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अब ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ना, ये मतलब इनमें इतने कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में अभी तक पता भी नहीं लग पाया. फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पिनच है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, इसके अंदर एक कंपाउंड है एग्डिस्टेरोन. एग्डिस्टेरोन बेसिकली क्या होता है, इंसेक्ट बेस्ड हार्मोन होता है, ये उसके अंदर मिला है. अब पता है ये बैंड सब्सटेंस है, अगर इसको अगर आप लीगली नहीं ले सकते हो स्पोर्ट्स में, ये बैन है. लेकिन ये स्पिनच से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी पे इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होता है. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट है, बट इससे कहा जाता है कि मसल बिल्डिंग में भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स इसके देखे गए हैं, मसल बिल्डिंग में भी. तो पता है नहीं पता हमें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. तो कभी भी अपने ये जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको कभी मिस मत करो, ठीक है. ये सारी चीज़ें अगर आप बैलेंस में लेके चलोगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प की हो, या अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.